हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन दिस इज ताजमीन पठानी और साइंस एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ एंड फॉर क्लास टेन्थ तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सी बी एस ई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको के जी से लेके क्लास ट्वेल्व तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड टेली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो हम आपको राइड कराते हैं सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्राफ कर सकते हैं सो so भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मुला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको अभी तक समझा दिया है सिखा दिया है आज हम लोग देखेंगे कि लेंस लेंस और के लिए क्या होगा बेसिकली लेंस क्या होता है आज हम लोग ये देखने वाले हैं फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर द बोथ चलो भाई देखो स्टूडेंट लेंस फॉर्मुला बताता है आपको रिलेशनशिप ये स्टैब्लिश करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ

अब आप बोलोगे मैम अगर इस स्फारिकल मिरर्स में बात करें तो वहां पे साइन चेंज होता है वहां पे प्लस होता है इनके बीच में अगर याद हो तुम लोग को थोड़ा बहुत जिसमें जिसको हमने मिरर फॉर्मुला के फॉर्म में पढ़ा था तो वी यहां पे क्या बताएगा स्टूडेंट्स आपको वी यहां पे बताएगा आपको देखो आओ यहां पे लेंस फॉर्मुला इज बेसिकली अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ दिस इज देंस फॉर्मुला दिस इज वॉट दिस इज देंस फॉर्मुला तो लेंस फॉर्मुला होता है पे इमेज है डिस्टेंस ऑफ इमेज के बारे में बताया गया इमेज डिस्टेंस हो गया है आपका हम्म hmm? फिर आपका यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपका एफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ हो जाएगा आपका फोकल लेंथ तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द आप अपना कैलकुलेट uh, कर सकते हो अब मान लो जैसे कि मान लो आपके पास v हो u हो और f नहीं हो तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू f निकाल सकते हो उसका यस yes, मैम निकाल सकते हैं मान लीजिए आपके पास f है u है v नहीं है तो आप वी निकाल uh, निकाल सकते हो इन दोनों की हेल्प से तो मैम लेंस से हमें ये चीज गई फिर हम यहां पे क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट आपको फोकल लेंथ पर ध्यान देना पड़ेगा किस पर ध्यान देना पड़ेगा फोकल स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स के, के लिए बात कर रहे हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल कैसे बताई थी जल्दी से बताइए मैम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव कैसी होती है स्टूडेंट पॉजिटिव होती है कैसी होती है पॉजिटिव होती है बट कॉनकेव की मैंने आपको कैसी बताई थी नेगेटिव होती है ये बात मैंने आपको बताई थी ना जब मैंने आपको साइन कन्वेंशन वाली चीज़ पढ़ाई थी इस पॉइंट को ध्यान में रखना प्लीज ये अपने दिमाग में रख लेना इस पॉइंट को फिर दूसरा पॉइंट आप ये भी देखना वी और यू अगर जैसे व्यू है यू तो ऑलवेज आपका नेगेटिव ही होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ होगा किसके ऑप्टिकल सेंटर के है ना उसकी डिस्टेंस आपकी नेगेटिव हो जाएगी वी भी आप लोग देख लेना क्या पता इमेज इधर साइड बन रही हो

लेंसेस uh, के लिए यूज होगा फॉर्मूला मैं आपको कॉन्केव के लिए भी इसको यूज और कॉन्वेक्स के लिए बट आज मेरा मेजर फोकस कहां पर रहने वाला है कॉन्वेक्स लेंस के लिए रहने वाला है प्लीज नोट दैट द लेंस फॉर्मूला डिफर्ड फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला बाय ओनली इन द साइन सिर्फ साइन में डिफरेंस होता है स्टूडेंट वरना कोई डिफरेंस नहीं होता है जैसे कि आपका वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू जो है इज इक्स टू वन अपॉन एफ यह आपका मिरर फॉर्मूला है बट लेंस फॉर्मूले में आप क्या देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन को देखते हैं समझ में आ गए ये चीज कि आप नेगेटिव साइन को देखते हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू करिए इट इज क्लियर दैट मिरर फॉर्मूला हैज अ प्लस साइन बिटवीन वन अपॉन वी एंड वन अपॉन यू वेर अ लेंस फार्मूला हैज अ माइनस साइन बिटवीन वन अपॉन यू एंड वन अपॉन वी

कॉन्वेक्स लेंसेज से बनने वाली जो इमेजेस होती हैं स्टूडेंट वो छोटी भी हो सकती हैं वो बड़ी भी हो सकती हैं और वो सेम साइज की भी हो सकती हैं छोटी बड़ी सेम साइज क्या छोटी बड़ी सेम साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और बिगर देन द ऑब्जेक्ट बट आप कॉन्केव में क्या चीज देखेंगे कि वहां पर छोटी ही होगी हमेशा क्या हमेशा छोटी होगी द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द लीना माइक्शन अब आते हैं स्टूडेंट मैग्निफिकेशन क्या होता है चलो देख लेते हैं अब आते हैं नेक्स्ट आपका मैग्निफिकेशन मैग्नीफिकेशन देखो स्टूडेंट मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन इज बेसिकली कि आपका जो इमेज का साइज है वो कितना बड़ा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट के साइज से आपका इमेज का साइज कितना बड़ा है ये बात का पता हमें कौन देता है लीनियर मैग्निफिकेशन हमें इस बारे में बताता है जिसको हम लोग किससे वो करते हैं स्मॉल एम से डिनोट करते हैं समझ के वाला पॉइंट यस yes, मैम अब मैग्निफिकेशन इज बेसिकली क्या बता रहा है आपको मैम ये हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना है hmm? तो ये आपका बताता है ये आपका रेशियो देता है किसका हाइट ऑफ द इमेज बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ द इमेज बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है तो इसकी हेल्प से स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा मैग्निफिकेशन मिल जाएगा क्या मिल जाएगा आपको मैग्निफिकेशन इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एच टू बाई एच वन क्या एच टू बाच वन एच टू रिप्रेजेंट करेगा इमेज की हाइट को और एच वन रेप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट की हाइट को डन यस मैम इसी की हेल्प से स्टूडेंट आप एक और फॉर्मुला बना सकते हैं मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मुला क्या होगा देखो हाइट ऑफ द इमेज को आप लोग डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी ले सकते हैं एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कभी कभी आपको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पूछते हैं लोग तो उसके लिए आप क्या करेंगे हाइट ऑफ द इमेज बेसिकली डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे है वो तो हम देखेंगे यहाँ पे व्यू वी और अपॉन मा जाएगा यू तो मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास यहां पे दो फॉर्मले बनते हैं कौन से हैं वो दो फॉर्मले वो दो फॉर्मले हैं आपके एक तो है वी अपॉन यू और एक है एच टू अपॉन एच वन तो अभी तक अभी तक जब से सेशन शुरू हुआ है उसमें मैंने आपको तीन फॉर्मलेज बताए हैं और मैंने कुछ नहीं बताया तीन फॉर्मुला बताया मैंने आप लोगों को कौन कौन से हैं वो तीन फॉर्मुला पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक तो मैंने आपको बताया लेंस फॉर्मुला क्या बताया मैंने आप लोगों को लेंस फॉर्मुला बताया क्या था वो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डन यस मैम उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया मैग्नीफिकेशन मैग्निफिकेशन मैंने आपको क्या बताया मैग्निफिकेशन आपका एच टू अगर आपको हाइट गिवन है और हाइट पूछ रहे हो तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे अगर मान लो आपके पास ये नहीं गिवन है और मैग्निफिकेशन में आपसे वो वी और यू डाल के पूछ रहे हैं तो आप उसको वी अपॉन यू कर देंगे तो मैंने आपको ये दो फॉर्मूलाज बताए हैं क्या ये आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेना कभी तो आप कंफ्यूज हो रहा हो वी अपन यू तो यहां से हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज देख लिया अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो चुके हैं तो क्या अब हम लोग नुमारिकल्स पे चले याद हो गए हैं तो चले नुमारिकल्स पे यस मैम अब आ जाइए नुमारिकल्स पे चलिए तो आप आते हैं स्टूडेंट पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये तो इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे एम क्या है मैग्निफिकेशन है एच टू क्या है हाइट ऑफ इमेज है एच वन क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वी विल नाउ राइट अनदर फॉर्मला फॉर द मैग्निफिकेशन कौन सा बताया मैंने स्टूडेंट्स आपको वो वी अपॉन यू

ये होता है वीअपन यू साइन में अलग है ठीक है जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैग्निफिकेशन फॉर्मुला फॉर मिरर माइनस वीन यू और मैग्निफिकेशन मिरर हैज अ माइनस साइन एंड फॉर द हैज अ पॉजिटिव साइन इसको बार बार फोकस क्यों कर रही हूँ बिकॉज जब आप नोमिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आप कहीं मिरर एंड लेंस में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है ओके यस मैम इफ द मैग्फिकेशन एम हैज पॉजिटिव वैल्यू देखो अगर मान लो आपके पास मैग्निफिकेशन आया पॉजिटिव आप बोलोगे मैम दो आएगा करेक्ट दो आएंगे पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है अगर पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट तो आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी कैसी होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी और अगर आपके पास नेगेटिव आएगा आपका एम तो आपकी इमेज होगी रियल एंड इनवर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड होगी ठीक है इस पॉइंट को याद रखना फिर कुछ और इंपॉर्टेंट आपको तीन पॉइंट याद रखना कि आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर वन के इक्वल आती है या फिर वन से छोटी आती है या फिर वन से बड़ी आती है तो उनका क्या मतलब होता है देखो अगर वो वन से छोटी आती है स्मॉलर देन वन या फिर इक्वल आती है इक्वल टू वन या फिर आ, बड़ी आती है ग्रेटर देन वन तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट हम यहां पे ये यह देखेंगे कि आपका जो इमेज का साइज होगा वो ये बताएगा one की, one के में आपको बताएगा अगर स्मॉलर देन वन है तो इमेज आपकी छोटी है डेमिनेज है Then, अगर इक्वल टू वन है तो सिमिलर है साइज में सिमिलर इन साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज फिर अगर ग्रेटर देन वन है वन से ज्यादा है तो आपकी लार्ज uh, है लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट साइज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट साइज स्क्रीन शॉट लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने क्योंकि अभी आप देखोगे कॉन्वेक्स में आपको तीनों केसेस देखने के मिलेंगे बट कॉन्केव में ऐसा नहीं होगा देखो

तो ऑन द अदर हैंड कॉन्केव लेंसेज फॉर्म्स इमेजेस विच आर ऑलवेज स्मॉलर देन वन हम यहां पे क्या देखेंगे स्टूडेंट यहां पर हम ये चीज देखते हैं कि कॉन्केव लेंसेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा वन से कम आता है किससे आता है सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्केव लेंस देन वन समझ में आ गया वाला पॉइंट यस मैम ये चीज हमें समझ में आ गई है अब इन सब चीजों को समझने के बाद हम लोग यहां पे क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स नुमैरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने जा रहे हैं तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो चुका है क्या क्या बताया मैम ने मैंने आपको बताया लेंस फॉर्मुला विच इज वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ करेक्ट से डिफाइन कर सकते हैं इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डन फिर मैंने आपको मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ चीजें बताई कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है और या फिर आपका मैग्निफिकेशन वन वन से ज्यादा है इन सब चीजों के बारे में भी हमने अभी डिस्कशन देखा अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है स्टूडेंट तो आपका इमेज कैसा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और अगर मैग्निफिकेशन होता है तो आपका इमेज कैसा होता है रियल एंड होता है तो अब इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां से यहां पे स्टूडेंट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नुमारिकल्स को देखेंगे और इन नुमारिकल्स को करने के बाद यू आर फ्री टू गो एंड आपका ये जो सेशन है वो भी मास्टर हो चुका होगा क्या मैग्निफिकेशन एंड लेंस का मतलब लेंस फॉर द कॉन्वेक्स लेंसेज तो आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अंटीमीटर ओकेमीटर से ट्वेल्व सेंटीमीटर पर रखा हुआ है मैम ऑब्जेक्ट का साइज भी ऑब्जेक्ट uh, की डिस्टेंस भी दे दी हाउ फार्थ शुड बी ऑब्जेक्ट अच्छा एंड ऑब्जेक्ट भी प्लेस फॉर देखो अब ये बोल रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये जो है आपको क्या क्या गिवन है तो आपको फोकल पहले तो आप देखो क्या क्या गिवन है, आपको, में। यहाँ पे हमें फोकल गिवन है कितना है स्टूडेंट आपका टेन सेंटीमीटर है, है तो कॉन्वेक्स लेंस को टेन सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है फ्रॉम अ वॉल हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड लेंस से कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए मतलब मैम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है hmm.

क्या सोचोगे अब कुछ चीज़ें ये सोचो कि मैडम ये तो बता दो हमें एफ क्या है इसका एफ तो टेंट बिचर है पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि फोकल लेंथ क्या फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है स्टूडेंट पॉजिटिव होती है फॉर द कॉन्वेक्स लेंस चलो मैम यू तो हमें कैलकुलेट करना है वो तो आई जाएगा साइन कन्वेंशन के साथ बात हम देख लेंगे बाद में वी पा जाओ कैसी बोली उन्होंने इमेज कैसी बनी है रियल कैसी इमेज बनी है स्टूडेंट रियल इमेज बनी है और कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज पीछे की तरफ बनती है एक ही केस में तो रियल तो इधर साइड बनती है ना सारी पॉजिटिव वाले तो मतलब बीबीस का कैसा होगा स्टूडेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा कैसा हो जाएगा स्टूडेंट आपका बीबीस का पॉजिटिव हो जाएगा छह केसेस पढ़ाए थे उस छह केसेस में क्या चीज बताई थी उसमें एक चीज बताई थी कि एक ही केस है जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी वो भी कौन सा केस था वो जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट था तो वो पीछे बनती है लार्ज इमेज होती है बट और जितनी भी इमेज बनती है वो रियल इमेजेस होती है वो इधर साइड बनती है

आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यू कैलकुलेट कर सकते हैं यू इज बेसिकली वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका ये वन अपॉन एफ हो जाएगा यस yes, मैम ये वन अपॉन एफ हो जाएगा हम लोगों का अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन अपॉन वी हम लोग को कितना गिवन है ट्वेल्व सेंटीमीटर माइनस वन अपॉइन यू हम लोग को कितना गिवन है स्टूडेंट्स आपका यह ही नहीं गिवन और वन अपॉन एफ इज बेसिकली वन अपॉन प्लस टेन सेंटीमीटर डन यस मैम उसके बाद उसको, उसको धर ले जाओ इसको धर ले आओ, तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी माइनस वन अपॉन टेन इज इक्वल टू वन अपॉन यू ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका वन अपॉन यू हो जाएगा अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे आप लोग इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पहले आप इतने का स्क्रीन ले लो अब आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका हम्म इट विल बी तो देखो भाई मैं क्या बताई थी आप लोगों को यहाँ पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट विल बी ट्वेल्व एंड टेन तो ये हो जाएगा आपका सिक्सटी हम्म कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये सिक्सटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस फाइव ये हो जाएगा माइनस सिक्स इज टू वन अपॉन यू तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका माइनस वन अपॉन सिक्सटी इज इक्वल टू वन अपॉन यू तो यू वन अपॉन यू है ना ये तो यू नहीं है यू होगा आपका माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर हो जाएगा मतलब कि कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा आपको सिक्सटी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा माइनस साइन क्या बताता है कि डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस कहां पे बन रही है वॉल पर बन रही है ट्वेल्व सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है दिस मीन्स दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्केव लेंस विल बी ट्वेल्व सेंटीमीटर और रियल इमेज है तो इसलिए राइट हैंड साइड पर ही बन रही होगी और यहाँ पे आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस और आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है यू आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना था तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट माइनस सिक्सटी आ जाएगा दस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस द माइनस साइन शोज दट द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस यही चीज मैंने आपको बताइए ये माइनस साइन आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स माइनस साइन आपको बता रहा है यहाँ पे कि मैम जो आपका

और नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज तो आपसे दोजिशन पूछ रहे हैं तो मतलब वी पूछ रहे हैं हैं डिस्टेंस डिस्टेंस पूछ रहे इज बेसिकली नेचर कैसा होगा उसको हाइट कैसी होगी उसकी तो so, पहले जो जो चीजें पूछी हैं हम उस चीज को लिख लेते हैं ओके okay? या फिर बताइए जैसे यहां पे आपको गिवन क्या क्या है गिवन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको स्टूडेंट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो एच एच वन गिवन है आपको सेवन सेंटीमीटर ओके U आपको गिवन है नेगेटिव में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ आपका एफ एट सेंटीमीटर है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको पता है इसका फोकस राइट साइड पे होता है फाइंड द पोजिशन ऑफ नेचर वी आपको फाइंड करना है इमेज मतलब h2 टू भी आपको करना है तो मैम पर इससे हमें एक चीज समझ आपको क्या करना है, आपको हाँ पे solution करना है. तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे पहले तो आप निकालो वी, वी क्या निकालो वी निकालो क्योंकि आपने ये एस टू एस टू आप निकालोगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मुले से मैग्निफिकेशन क्या होता है मैग्निफिकेशन होता है आपको मैग्निफिकेशन भी चाहिए होगा

ईज़ी लेंस फॉर्मले के थ्रू रुको एक मिनट इसको पहले साइड कर लेते हैं थोड़ा सा हुँ? अब देखो अब यहां पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे लेंस फॉर्मला लगाएंगे लेंस फॉर्मला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका अब वन अपॉन वी आपको फाइंड नहीं करना है ये तो आपको पता ही नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना है वन अपॉन यू यू कितना के है स्टूडेंट माइनस ट्वेल्व इज कितना के है प्लस डन यस मैम पहले हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा वन अपॉन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन अपॉन ट्वेल्व इज अब हम उसको साइड माइनस में ले जाएंगे स्टूडेंट्स तो ये जाएगा वन अपॉन वी इज इक्वस टू वन अपॉन प्लस एट माइनस वन अपॉइंट ट्वेल्व यस मैम उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वन अपॉन वी इसका एलसीएम कितना 24 आएगा ट्वेंटी फोर आएगा एट थ्रीजा प्लस माइनस टू तो स्टूडेंट आपका ही आएगा आपका वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर कितना आएगा स्टूडेंट आपका ये वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर आ जाएगा एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर हो जाएंगे आपके यहाँ पे और ट्वेल्व टूजा ट्वेंटी फोर ये आ जाएगा आपका इतना तो ये आपका प्लस का आएगा वन अपॉइन तो वी कैसा आएगा स्टूडेंट आपका वी आएगा आपका ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर v कैसा आने वाला है स्टूडेंट्स आपका वी आने वाला है आपका ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर और पॉजिटिव का आएगा कैसा आएगा स्टूडेंट आपका पॉजिटिव का आएगा और पॉजिटिव क्यों आ रहा है सोचो मैम ये कॉन्वेक्स लेंस है कैसा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज कैसी होगी अगर वी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो मैम इमेज होगी आपकी रियल एंड

किसका माइनस का ध्यान से देख के माइनस का ट्वेल्व उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका टू, तो टू? कितनाशन आ जाएगा माइनस का टू माइनस का टू मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है मैम ये तो वन से बड़ी हो गई वैल्यू हम्म और माइनस का मतलब आपको क्या पता चलता है माइनस आपको मैंने क्या बताया था मैम माइनस आपको बताएगा कि इमेज आपकी कैसी है रियल एंड इनवर्टेड है है स्टूडेंट आपकी रियल एंड इनवर्टेड इमेज आपकी बन रही है यहाँ पे और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मैम यहाँ पे इमेज जो है ज्यादा बनेगी. बनेगी? आ रहा है वन से ज्यादा आ रहा है अब जो मैग्निवेशन आया उठा के सीधा फॉर्मले में डालो एम एम वाले फॉर्मले में आपका तो क्या निकल कर आ जाएगा एस टू निकल कर आ जाएगा तो एस टू आपका कितना होगा स्टूडेंट हमें नहीं पता एम है हमारा माइनस टू टू हमें नहीं पता यह हमें कैलकुलेट करना है एच वन हमारा कितना था स्टूडेंट सेवन टू का फोर्टीन आएगा कितना आएगा, students, आपका एस टू आएगा माइनस का फोर्टीन कितना आएगा स्टूडेंट आपका माइनस का फोर्टीन आएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट आपकी हाइट हो जाएगी uh, माइनस की फोर्टीन आप देखो हाइट नेगेटिव आई है परपेंडिकुलर के नीचे मतलब मैम इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनी है क्या नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है नीचे मैंने बताया था ना कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सेस होगा उसके नीचे वाली जो चीज़ें होंगी वो नेगेटिव आएंगी तो मतलब अगर आपकी इमेज जो है वो रियल है सच में बनी है वो बट वो उल्टी बनी है वो हमें किसने बता दिया नेगेटिव साइन ने किसने बता दिया स्टूडेंट नेगेटिव साइन ने बना दिया तो इस एक क्वेश्चन की हेल्प से आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया तो ये आपका कैसे रिवाइज हुआ आपका ये जब रिवाइस होना जब आपने लगाया उस कॉन्सेप्ट को तो आपने इसमें क्या करा आपने देखा कि मैम हमें इमेज के डिस्टेंस भी पूछ रहे हैं इमेज की हाइट uh, भी पूछ रहे हैं एस टू कैलकुलेट करना था तो एच टू हमारा जब भी आ सकता था जब हमारे पास एम हो तो एम हमने निकाल लिया वी से क्योंकि तो हमने वी निकाल ही लिया था और उससे हमने यहाँ पे अपना क्या निकाल लिया एच टू भी निकाल लिया समझ में गया वाला पॉइंट हटा दू अब इस क्वेश्चन को चलो हटा रियो में देखो तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज वही पोजिशन पता करेंगे डिस्टेंस पता करेंगे उसका तो उसके लिए हम लोग फॉर्मुला लगाएंगे यहाँ पे तो देखो यू तो आपका ले, लेफ्ट साइड पे होगा मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव में आएगी यू की वैल्यू वी आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आप यहां से कैलकुलेट करेंगे आपका निकल के आ जाएगा ट्वेंटी uh, फोर फिर इमेज फॉर्म डेटा डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस

द माइनस साइन फॉर द मैग्निफिकेशन शोज दैट ये माइनस साइन क्या दिखाता है स्टूडेंट ये हमें दिखाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मैग्निफिकेशन हमें दिखा रहा है इमेज इज रियल इनवर्टेड लेट अस कैलकुलेट द इमेज बाय यूजिंग द बाईला आपका एस टू आएगा आपका पे कैलकुलेट होने के माइनस फोर्टीन सेंटीमीटर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ये हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ इमेज माइनस साइन आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैम जो इमेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मतलब उल्टी इमेज है कैसी है स्टूडेंट आपकी रियल एंड उल्टी इमेज है

ओके okay. ये बोल रहे हैं कि आपका जो मैग्निफिकेशन है स्टूडेंट वो आपका प्लस टू पॉइंट फाइव है क्या है प्लस टू पॉइंट फाइव आपका मैग्निफिकेशन है आपको बताना है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा देखो स्टूडेंट मैंने आपको ये चीज अच्छे से बताई है कि आपका प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाली है कैसी होने वाली है वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाली है और नेगेटिव साइन क्या बताएगा आपका रियल एंड इवर्टेड आपकी इमेज होने वाली है तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन है तो मतलब वर्चुअल इरेक्ट आपकी इमेज है लेंस कौन सा है भैया जो आपका पॉजिटिव लेंस होगा वो आपका कौन सा होने

तो स्टूडेंट देखो ना टू पॉइंट फाइव है प्लस का टू पॉइंट फाइव ये तो वन से बड़ी वैल्यू हो गई और वन से बड़ी वैल्यू कभी कॉन्केव के लिए तो हो ही नहीं सकती तो मतलब कौनके अगर वन से बड़ी वैल्यू आती है सभी तो तुम कन्फ्यूज़ होगे कि मैम कॉन्वेक्स होगा कौन के होगा क्योंकि दोनों के लिए हो सकता है पॉजिटिव तो तो इस केस में आप देखो ना कि वन से बड़ी वैल्यू है वन से बड़ी वैल्यू होने की वजह से लेंस आपका कॉन्वेक्स हुआ है वरना यहीं पर अगर ये वन से छोटी वैल्यू होती ना क्वेश्चन के जज्बात जाते किस में चला जाता क्वेश्चन क्वेश्चन चला जाता कॉन्केव के लिए हाँ, बस यहां पे इस टू पॉइंट फाइव ने इस क्वेश्चन को कॉन्वेक्स के फेवर में डाल दिया किसमें कॉन्वेक्स के फेवर में क्योंकि आप वर्चुअल एंड उससे तो नहीं पहचान सकते कि मैम ये आपका कौन सा लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा आप इसको पहचानेंगे कैसे आप इसको पहचानेंगे मैम वो वैल्यू अगर वन से बड़ी है क्योंकि वन से बड़ी वैल्यू वन से बड़ी वैल्यू ही आपका क्या है आ, पे बता पा रही है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि आपकी इमेज कैसी बन रही है स्टूडेंट्स इमेज समझ में आ गया जल्दी से समझ में आया फॉर्मुला मैग्निफिकेशन का हाँ भाई देख लो यही लेंस फॉर्मुला क्या होता है? V, M, H1, क्या बताता है ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड एफ के बारे में और ये हमें क्या बताता है स्टूडेंट ये हमें बताता है रेशियो मतलब कि ऑब्जेक्ट से इमेज की ऑब्जेक्ट uh, के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना है बड़ा है छोटा है ये सब कुछ हमें ये बताता है तो आज के सेशन में स्टूडेंट हमने कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग Uh, देख लिया है, देख लिया है. आपको करो और स्टूडेंट्स से क्वाल बताना चाहती हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है के से लेकर क्लास ट्वेल्व तक और अगर सीबीएसई बोर्ड एंड अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड डेली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो हम आपको राइट कराते हैं सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नी नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्राप कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रो यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप इन सबके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसी धमाकेदार सेशन वो हमारा रहेगा तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैट पर थैंक यू सो मच